हेलो, मैं डॉक्टर सोना गुप्ता हूँ। आई एम पीडियाट्रिशियन। मैंने कई बार देखा अपने प्रैक्टिस में कि हम लोग अस्थमा के लिए या कई बार एलर्जिक राइनाइट ब्रोंकाइटिस वगैरह के लिए हम कई बार ये जो इनहेलर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा लैकिंग होता है कि हमारे पास कई बार बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो हम जो है जल्दी से बता देते हैं और ये चीज़ें हैं। तो मुझे ये नीड फील हुई कि क्यों ना अपन एक वीडियो बनाए जिसमें अपन बताएंगे आपको कि रियली हमें इनहेलर देना कैसे होता है। तो इनहेलर के हमारे पास जो है यूजुअली 4 ईयर से लेके और इवन 12 साल 20 साल इवन एडल्ट्स में भी हमें इनहेलर को हमेशा इसी स्पेसर के साथ देना चाहिए। तो ये तो होता है हमारा एक इनहेलर, इसका इसको बोलते हैं हम कैनिस्टर, और ये होता है हमारा स्पेसर। अब इसको देना कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कई बार हम अस्थमा में प्रिस्क्राइब भी करते हैं तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलते, वो इसलिए क्योंकि टेक्निक सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं आज आपको समझाऊंगी मेरे साथ आरव अग्रवाल, और हम आपको बताएंगे कि हमें किस तरह से इनहेलर को करना चाहिए शुरू। तो ये वाला पार्ट होता है एक इनहेलर का। इसमें हमें सबसे पहले इसका कैप रिमूव करना है। कैप रिमूव करके फिर हमने क्या किया, इसको शेक करना है। इसको शेक करने के लिए हमें थोड़ा रैपिडली शेक करना है, और हमारा मूवमेंट एल्बो पे होना चाहिए। देखो इस तरह से यहाँ हमारा मूवमेंट होना चाहिए। अब हमने इसको शेक कर लिया। अब शेक करने के बाद हमारे जो स्पेसर होता है, इसके आप देख रहे हैं दो मुंह है। इधर देखेंगे तो आपको बिल्कुल एम्प्टी है कि मेरा फिंगर जा रहा है, और इधर आप देखेंगे तो एक ही वाल्व होता है, ये व्हाइट कलर का वाल्व है जो आप देख सकते हैं। तो इसको ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो आवाज आती है। अब हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमें जो हमने इनहेलर को शेक किया था, इसको हमने इसके अंदर फिट कर दिया। अब ये जब इसमें टाइटली फिट कर दिया, तो इसके बाद हमने इसको इस तरह से करके और बच्चे के मुंह में देना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने इसमें इसको सबसे पहले फिट किया। बेटा एक बार मुंह खोलो। अब हमें बच्चे के दांतों के बीच में इसको करना है। बंद करो बेटा। हाँ, अब अपने कोट भी बंद कर लो, जैसे टाइटली बंद। अब एक सील बन गई। अब आप देख सकते हैं इसकी एक सील बन गई। अब मैंने सबसे पहले इसमें क्या किया कि मैंने इसको प्रेस किया। मैं एक बार बच्चे को करने से पहले बता दूंगी कि हमें क्या करना है, कि मैं आपको बेटा ये प्रेस करूंगी। प्रेस करने के बाद आप क्या करना कि इस पे ऐसे सांस लेना है, और हमें 5 सेकंड तक सांस को रोक के रखना है, और फिर उस सांस को आप नाक से बाहर निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको प्रेस किया। अब आप सांस लेना धीरे धीरे, जो अंदर लेना है गहरी सांस। अब रोको, 1 2 3 4 5। अब 5 तक हमने सांस होल्ड की। बेटा अब नाक से निकालो। वेरी गुड। अब नेक्स्ट फिर आप सांस लो। हाँ, अब रोको 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। अब बेटा नाक से निकालो। वेरी गुड। अब फिर सांस लो। हाँ, फिर 1 2 3 4 5। बेटा नाक से निकालो। हाँ, एक सांस और लो। नाक से सांस नहीं लेना, मुंह से सांस लेना है। 1 2 3 4 5। अब नाक से छोड़ो। बस हमने इसको हटा लिया। अब देखो इसमें मेन पॉइंट क्या थे, कि एक तो हमेशा शेकिंग का जरूर याद रखो। सेकेंड पॉइंट कि आपने जब इसको लगाया है तो इसको प्रेस किया आपने, तो प्रेस करने के बाद इसी को मुंह में डालने के बाद प्रेस करना है। जैसे मुंह में डाला फिर प्रेस करो। कई लोग क्या करते हैं, पहले ही प्रेस करते हैं, वो चीज नहीं करनी। आपने मुंह में डालो और सबसे बड़ी दांतों के बीच में इनसर्कल करा, और फिर जीभ यहाँ से बंद कर दो। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसको डालते हैं, यहाँ से प्रेस करने के बाद वो नाक से सांस लेते हैं। नाक से सांस नहीं लेना, आपको सांस हमेशा मुंह से ही लेना है, मुंह से ही सांस लेना है। एक बार दबाने के बाद आपने 5 सांस लिए, और वही पॉज करना है, फिर आपको नाक से निकालना है। अच्छा, नाक से निकालने का क्या एडवांटेज है कि जो अपना एलर्जिक राइनाइटिस वाला पार्ट है, जुकाम जिन बच्चों को रहता है, वो भी ठीक हो जाता है। तो इस तरह से करना है, और ये टेक्निक अपने को इनहेलर की यूज करनी है। कुछ पॉइंट्स और है, इनहेलर की केयर कैसे करनी है। देखो इनहेलर को क्या करना पड़ता है, अपने को हर 15 दिन बाद इन दोनों चीजों को अलग करके, इसको तो अपने एक तरफ रख दिया, इस स्पेसर के लिए, इसके क्लीनलीनेस के लिए कभी भी एक तो कपड़े से मत पहुंचो। दूसरी चीज, इसको क्या करो कि नॉर्मल निवाय पानी में, नॉट वार्म वाटर, ओनली ल्यूक वार्म वाटर में आपको जस्ट ऐसे डिप करा, किसी भी भगोने में लिया और बाहर निकाल के इसको अपने आप सूखने दो। अगर हम इसको कपड़े से पोंछ देंगे तो इसका जो है ये खराब हो जाता है। तो इसको आप अपने आप ही सूखने दो, और 15 दिन में केवल एक बार ऐसे करो, और किसी भी थैली में डाल के इसको साफ जगह पे रख दो जहाँ पे की धूल मिट्टी नहीं जाए, और यूजुअली ये 1 ईयर तक अपना स्पेसर सही से काम कर जाता है। तो हमेशा हमें इनहेलर की टेक्निक में विशेष ध्यान देना है, और ये हमारा 3 साल से 4 साल से लेके और इवन एडल्टहुड तक भी यही टेक्निक से हमें इनहेलर और स्पेसर देना होता है।
तीन साल से छोटे बच्चों के लिए हम लोग मास्क यूज करते हैं, जो कि इसी के आगे फिट होके बस एक मास्क अटैच करके दे। तो जब भी आप इनहेलर दो तो मैं चाहूंगी कि कभी भी कोई भी प्रिस्क्राइब करे तो आप इसमें देखो कि इनहेलर देने की टेक्निक क्या होती है, ताकि अपना इनहेलर वाला जो पार्ट है कि किस तरह से सही से देना है उसमें कोई फॉल्ट नहीं रह जाए। थैंक यू।